महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय हमें मिली है। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि काफी दिनों से जब एनसीपी के कुछ विधायकों को लेकर अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए थे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद लिया था, तभी से विभागों को लेकर तनातनी चल रही थी और विभाग किसको क्या दिए जाएं, ये था कि मलाईदार विभाग लेने के लिए अजीत पवार लगातार दबाव बना रहे हैं जो शिंदे नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब वो सब कुछ हो चुका है साफ। मुस्तफा बताइए कैसे। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सेना जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है और इसी को लेकर पिछले उनके जो एमएलए है वो बीजेपी के सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन फाइनल फिर से एक बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को जा चुका है। वो पोर्टफोलियो है जिसकी कहीं ना कहीं इस तरह छिंदे गुट के जो एमएलए है उनका काफी अपोजिशन था। उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो छिंदे गुट के एक एमएलए अपनी सरकार से ले दी गई है और धनंजय मुंडे जो एनसीपी के मंत्री बने हैं उन्हें दे दिया गया है। वहीं पर कोऑपरेटिव जैसे जो मंत्रालय है वो दिलीप वलसे पाटिल काफी सीनियर नेता है एनसीपी के और शरद पवार के काफी करीब जाने जाते थे उनकी वो शपथ ग्रहण लेने से पहले। और साथ ही साथ फूड एंड सिविल सप्लाई ये आप कह सकते हैं कि छगन भुजबल को दिया गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक और ऐसा मंत्रालय जो कि शिंदे के एक एमएलए के पास था और वो उनको लेकर के आप कह सकते हैं कि ये चीज आप कह सकते हैं कि एनसीपी के जो एमएलए है उन्हीं को मिली है। अनिल बाईदास पाटिल रिहेबिलिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो मिला है। संजय बंसोर स्पोर्ट्स यूथ का पोर्टफोलियो मिला है। साथ ही साथ अदिति कटकरे जो है उन्हें महिला बाल कल्याण चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है इस चीज का पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है। कहीं ना कहीं एनसीपी के एमएलए से जो सुर सुनाई दे रहा था वो यही था कि उनको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज मिलेंगे, लेकिन शिंदे कह सकते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उनकी शिवसेना जो है उनके एमएलए ये आप कह सकते हैं कि चाहते थे कि फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो अजीत पवार को ना मिले, क्योंकि फाइनेंस पोर्टफोलियो से ही जो डेवलपमेंट फंड होता है वो बांटा जाता है और वो फंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वैसा ही हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर अब महाराष्ट्र के अजीत पवार बन चुके हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से सरकार में विभागों को लेकर जो संशय बना हुआ था वो खत्म हो गया। अजीत पवार को वित्त और नियोजन मिला है, छगन भुजबल को अन्य नागरिक आपूर्ति दिया गया, दिलीप वलसे पाटिल सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं, हसन मुश्रिफ को शिक्षा मंत्री बनाया गया है और ये गतिरोध अब खत्म हो गया कि महाराष्ट्र सरकार में शिंदे और अजीत पवार के बीच विभागों को लेकर ये जो संशय था वो अब पूरी तरह से खत्म हुआ। तो विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी संभालेंगे।